अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेहरा और आपको अपने चैनल सॉल्ट एंड टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली जा रही हूँ जो रेसिपी वो है गोश्त का स्टू। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। स्टू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है बकरे का गोश्त, तकरीबन आधा किलो है। ये मैंने पहले से आधा घंटा इसको बॉयल कर लिया है, एक अदद प्याज डाल के इसको बॉयल कर लें। ठीक है, हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च लिए हमने 10 से 12 अदद और इसको हाथ से हमने तोड़ दिया। इस तरह कुटी भी नहीं डाली, साबुत लाल मिर्च डाली, इस तरह हमने हाथ से इसको तोड़ दिया। टमाटर हमने लिए हैं 1.5 पाव, बारीक काट लें इसको। कुटी हुई काली मिर्च हमने 1 चम्मच, हल्दी 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कुकिंग ऑयल हमें चाहिए 1/2 कप, साबुत लहसुन, साबुत अदरक। इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक नहीं डालना, हमें इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक डालना है, बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक। प्याज हमें चाहिए 2 अदद बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की। साबुत धनिया हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। पानी इसमें हम डालेंगे हस्ब ज़रूरत। ठीक है नज़र्स, हम चलते हैं करेंगे जो हमने गोश्त बॉयल कर किया था। एक कप पानी डालेंगे हम इसमें, 1 कप पानी डाला हमने। इसके साथ ऐड करेंगे हम 1 कप ऑयल। अच्छा, ऑयल डाल के और 1 कप पानी डाल के हमने इसको भूनने के लिए रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च जो हमने 10 से 12 अदद ली थी। अच्छा, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप कम मिर्ची खाते हो तो आप कम डाल सकते हैं। नमक, हल्दी 1.5 खाने का चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच हमने लिया था। साबुत धनिया 2 खाने का चम्मच। बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक। प्याज डाल जाएगी इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई। 1 अदद प्याज पहले से डाल के हमने गोश्त जला दिया था, बाकी कोई चीज़ नहीं डाली थी हमने, सिर्फ प्याज डाला था। ये 1.5 पाव टमाटर बारीक कटे हुए। इनको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा स्टू तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, में हमारा मज़ेदार सा यमी सा स्टू तैयार है। अच्छा, ये स्टू मैंने ना बकरे के गोश्त में बनाया, आप इसको गाय के गोश्त में और चिकन में भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती है।